हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द पार्टिसिपेशन रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने इसके फार्मूले को समझा था और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में जो पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया के अंदर, और कह सकते हैं जिसको वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो इन डिफरेंट कैटेगरीज़, रीज़न वाइज पढ़ेंगे और जेंडर वाइज भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब कुछ स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, मींस कुछ डेटा को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पर हमने लिखा है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो, तो इसको पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। पार्टिसिपेशन रेट, पार्टिसिपेशन रेट इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो स्टैट है वो ये एक्सप्लेन करता है व्हाट आर द पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। तो हम इसका तो पार्टिसिपेशन रेट जो हम स्टडी कर रहे हैं ये है आपका 2011-12 डेटा के अकॉर्डिंग है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल है आपका रूरल एरिया का पार्टिसिपेशन रेट वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया के पार्टिसिपेशन रेट से, और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है क्योंकि रूरल एरियाज में रिसोर्सेज या ऑप्शंस जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, बहुत कम होते हैं। साथ में यहाँ के जो लोग होते हैं वो कम एजुकेटेड होते हैं, और ड्यू टू डैट वो एज ए वर्कर ज़्यादा एंगेज रहते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द मैन और वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। हम देखेंगे कि जो मैन का टोटल पार्टिसिपेशन है वो एज कम्पेयर टू वुमेन ज़्यादा है, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन रूरल और अर्बन का मिला के 54.4%। तो ये आउट ऑफ 100 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में अगर उसको हम 100 मानते हैं तो उसमें से 54 पीपल जो हैं वो वर्किंग में हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन है मैंस का एज़ कम्पेयर टू वुमेन वो बहुत ज़्यादा है, तो आउट ऑफ 100 54.4 जो मैन हैं दे आर वर्किंग, एंड वुमेंस में आउट ऑफ 100 21.9 वुमेंस आर वर्किंग एज ए होल। अगर हम अलग अलग स्टडी करते हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया की, तो हम पाएंगे कि जो मैंस जो अर्बन एरियाज में वहाँ पर वर्किंग मेल्स ज़्यादा हैं, वुमेंस में अगर हम चेक करते हैं तो देर इज ए मोर पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण इलाका है वहाँ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है एज ए वर्किंग एज ए वर्क फोर्स एज ए कम्पेयर टू अर्बन एरिया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है ये जो पार्टिसिपेशन है ये ड्यू टू कैजुअल वर्कर्स या एज ए लेबर ये लोग काम करते हैं फार्म वगैरह में, और क्योंकि इनकी जो फैमिली की इनकम होती है वो बहुत कम होती है, तो दोनों लोग यार सारे लोग जो होते हैं फैमिली के वो ऐसे फार्म लेबर वर्क करते हैं, तब जाकर इनकी जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं वो पूरे हो पाते हैं। ये हमने डिस्कस किया वर्कर पॉपुलेशन रेशो ऑफ इंडिया। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल और फीमेल में। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंटेज जो हैं वो कैजुअल वर्कर्स हैं, कैजुअल वेजेस वर्कर्स हैं, या कितने हैं जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेल चेक करते हैं पहले हम कि जो मेल्स हैं इन मेल वर्कर्स 51% आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 21% आर रेगुलर सैलरीड वर्कर्स एंड 29% आर कैजुअल वेजेस वर्कर्स। तो ये कैजुअल वर्कर्स जो हैं यहाँ पर 29%। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है, उसके बाद जो है वो कैजुअल वर्कर्स का है। तो जो मेल वर्कर्स हैं उसमें अगर हम बात करें हायर्ड वर्कर्स की, वहाँ पर जो यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। नाउ अब डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फीमेल वर्कर्स। तो यहाँ पर भी 56% सेल्फ एम्प्लॉयड, 31% कैजुअल वर्कर, 13% रेगुलर सैलरीड वर्कर। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फीमेल वर्कर्स का वो बहुत कम है रेगुलर सैलरीड वर्कर में, ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो है 56% सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, रीजन वाइज
रीजन हम दो तरह के रीजन डिवाइड करते हैं, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। वैसे तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कितने परसेंट पर्सन जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने कैजुअल वर्कर्स हैं और कितने रेगुलर वर्कर्स। इसमें भी हमने जो डिवाइड किया है वो हमने डिवाइड किया है बाय रीजन। यहाँ पर हम बाय जेंडर स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम बाय रीजन स्टडी कर रहे हैं। बाय रीजन में आपका अर्बन वर्कर्स और रूरल वर्कर्स आ जाते हैं। तो अर्बन वर्कर्स की अगर बात करें, जो शहरी इलाके में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड का कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स के अंदर वो 43% है और रेगुलर वर्कर्स का 42%। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग इक्वल है, और जो कैजुअल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स के अंदर वो बहुत ही कम है, जो कि एक हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। वहीं पर अगर हम रूरल वर्कर्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर जो डोमिनेट है वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। सेकेंडली कैजुअल वर्कर्स यहाँ पर 35% पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ वर्कफोर्स इन रूरल एरिया, ग्रामीण इलाके में। और जो रेगुलर वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में वो ओनली एंड ओनली 9% है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। थैंक यू।